हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मैजिक फ्रॉन्ट के एक नए वीडियो पे। दोस्तों आज मैं बहुत दिनों के बाद आप सबके लिए लाया हूं एक मेंटल मैजिक। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने एक्स मैन मूवी देखा होगा शायद, उसमें एक कैरेक्टर होता है मैग्नीटो कह के, वो मेटल को कंट्रोल कर सकता है, मतलब अपने दिमाग के पावर से या फिर अपने हाथ के पावर से उस मेटल को बेंड कर सकता है। तो आज मैं आप सबके लिए लाया हूं वो मैजिक। ये मैजिक सीख के आप उस ऐसा एक कुछ इफेक्ट दिखा सकते हो लोगों को। तो चलिए दोस्तों लेट ना करके देख लेते हैं क्या है आज का ये ऑसम मैजिक। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कैसे मैग्नीटो की तरह मेटल को बेंड करते हैं। ठीक है, तो आज मेरे पास है एक साइकिल का स्पोक। ठीक है, आप लोग देख सकते हो इधर, ये एक पुराना स्पोक है साइकिल का। ठीक है, कोई आप नया भी यूज कर सकते हो। तो आज आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप सिर्फ दिमाग में सोचो और ये इसके साथ कुछ मैजिक होगा। ठीक है, गौर से देखिए इसको दोस्तों। ठीक है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, इधर आगे भी और नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो गौर से देखिए दोस्तों, 1 2 3 बोलने के साथ साथ आप भी ट्राई कीजिए, फोकस कीजिए इसके ऊपर, 1 2 3 दोस्तों। इसके ऊपर गौर से ध्यान लगाइए, आप अगर ठीक से कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ये एकदम हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग बहुत इतने सारे लोग हो जो एक साथ ट्राई कर रहे हो और इसके साथ साथ ये मेटल देखिए थोड़ा सा बेंड होने लगा है। ठीक है, ये और भी बेंड हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, गौर से देखिए, आप भी कोशिश कीजिए, और भी हम लोग कर सकते हैं दोस्तों, सब मिलकर इसको एकदम बेंड कर देंगे। ठीक है, गौर से देखिए दोस्तों इसको, यस दोस्तों, एक सीधा स्पोक आप देख सकते थे वो था, अब वो ऑलमोस्ट हाफ बेंड हो गया है। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को ये मैजिक, देखिए पूरा बेंड हो गया है ऊपर की तरफ। तो कैसा लगा आप लोगों को ये मैजिक, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं कैसे मैंने ये मैजिक किया और आप लोग इसको कैसे कर सकते हो। दोस्तों इस ऑसम मैजिक के पीछे का सीक्रेट है बहुत ही सिंपल, लेकिन लोगों को थोड़ा सा मतलब आंखों में झांसा देना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, और कुछ इधर टिप्स है, वो है कि आप इस मैजिक को सिर्फ सामने से दिखा सकते हो, ठीक है, पीछे से नहीं दिखा सकते। अगर पीछे भी होगा तो कुछ एक सर्टेन एंगल है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये आप थोड़ा सा पहले मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, फिर बाहर जाके लोगों को दिखाओ। ठीक है, तो ये सिर्फ आप ध्यान में रखो। तो चलिए देखते हैं, आपको कुछ ऐसा स्पोक लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक सीधा सा स्पोक लेना पड़ेगा और उसको माइंड पावर से आप उसको कैसे बेंड कर सकते हो ये मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों ये एक्चुअली में एक सीधा स्पोक को हमने थोड़ा सा बेंड करके रखा है। ठीक है, थोड़ा सा बेंड करेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा बेंड कर देंगे, थोड़ा सा इसमें बेंड करके रखा है। अब ये हम लोग पकड़ते हैं पूरा ऐसे, मतलब ये बेंड एकदम लोगों के आंखों की तरफ दीजिए या फिर अपने तरफ नहीं, लोगों की तरफ ही दीजिए। इससे क्या होगा, लोग इधर से समझेंगे कि ये एकदम एक सीधा स्पोक है। ठीक है, तो अब आपको जो करना है, इस उंगली को सिर्फ ऐसे ऐसे सिर्फ थोड़ा सा घुमाना है और ये स्पोक ऐसे घूम जाएगा, लेकिन ये आप लोगों को करना है बहुत ही स्लो मोशन में करेंगे तो ये लगेगा कि ये बेंड होता है, क्योंकि अगर झट से कर देंगे तब लगेगा अरे भाई ये तो घुमा दिया। ठीक है, तो गौर से देखिए एक बार, टाइम लीजिए अपना और फिर ध्यान में दीजिए और धीरे धीरे आप जितना स्लो कर सकेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, और ये धीरे धीरे देखने लगेगा। और आप अगर चाहो इसके लिए मिसडायरेक्शन तो आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो, इधर हाथ लेके आप सिर्फ बता सकते हो, देखिए मैं इस हाथ से ऐसे करूंगा और इससे क्या होगा, लोगों को लगेगा आप हाथ से कुछ कर रहे हो और ये बेंड हो जा रहा है। इसमें बार बार आप हाथ ऐसे कर रहे हो तो लोगों का इस हाथ की तरफ कोई ध्यान नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये था इस ऑसम मैजिक के पीछे का सीक्रेट। आई होप आप लोग भी अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्त के साथ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे, हर मंगलवार और शनिवार ठीक 7:30 बजे, तब तक के लिए बाय।